हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु पांडे आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास टेंथ यूपी बोर्ड के टेंथ इंग्लिश पेपर का एनालिसिस। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, आइए हम लोग अपने आंसर को मैच करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ को पढ़ करके आपके ऑप्शन दिए हुए हैं उसको आपको सही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ है ओल्ड पीपुल से दैट द चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, दे लुक बैक एट देयर चाइल्डहुड एंड रिमेंबर ऑल इट्स अ हैप्पी डे। ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस पर बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज, लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट क्या था, तो उसमें दिखा रहा था आपका चाइल्डहुड, यानी पहला का आपका डी वाला ऑप्शन सही है। सेकेंड की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है टू हुम्स डज ए चाइल्ड्स ट्रबल्स सीम बिग, इसमें कौन सा आपका सही है, तो इसका हो जाएगा आप ऑप्शन नंबर ए टू अ फादर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, इसमें लिखा हुआ है विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस, इंडलेस का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फाइनाइट। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ लिखे चल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रेन गैप टू अटेंड द प्रोग्राम, फोर वाले में कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, आल ए बी सी सब सही है। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात कर लेते, लिखा हुआ है द थिंग्स दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाई समबडी इज कॉल्ड, क्वेश्चन नंबर फाइव में लिखा है इसका ऑप्शन नंबर सी इन्वेंशन। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी सही है, आपने कौन सा ऑप्शन लगाया हुआ है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मिसप्लिक, मतलब किसकी स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिलिट्री, इसकी स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है द टीचर पॉइंटेड गैप द मिस्टेक एंड सिला करेक्टेड इट, क्वेश्चन नंबर एट में कौन सा सही है, क्वेश्चन नंबर एट का ऑप्शन नंबर डी सही है, आउट। क्वेश्चन नंबर नाइन टू टेन ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ से आपके आंसर देने हैं। पैराग्राफ नाइन टू टेन का पहला क्वेश्चन यानी नाइन वाला क्वेश्चन दिया हुआ है मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वर, तो क्वेश्चन नंबर नाइन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आल्सो नॉट फ्री, आप देखेंगे ऑप्शन नंबर नाइन्थ का डी सही है। क्वेश्चन नंबर टेन की बात कर लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है मिस्टर मंडेला ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, मतलब मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम, मतलब क्वेश्चन नंबर टेन का डी वाला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर इलेवन का लिखा हुआ है ऑन द पोडियम गैप वॉज फर्स्ट स्लोन इन एज सेकेंड ड्यूटी प्रेसिडेंट, इलेवेंथ का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इलेवेंथ का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की बात करें, जिसमें लिखा हुआ है द पोएम वॉज अबाउट अ मदर डक एंड गैप स्वान, तो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, अ फादर। क्वेश्चन नंबर थर्टीन की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर्स यूज टू बी अवर फ्रेंड कैंपियन एंड गैप, क्वेश्चन नंबर थर्टीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाइड। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टू फिफ्टीन की बात कर लेते हैं, जिसमें आपके पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को पढ़ के आपको करेक्ट आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में लिखा हुआ है सम पीपुल से दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिसमें लिखा हुआ फायर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते, लिखा हुआ है व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड हेयर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे बोलते हैं डिजायर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है व्हेन द ट्रेन हैड गॉन द थीप फाउंड हिमसेल्फ, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है ऑन द डिजायर्ड प्लेटफॉर्म यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते, लिखा हुआ है व्हेन द थीफ अवेक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन हो जाएगा डी सी अनिल हैड मेड द टी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ग्रिफिन स्लाउड सर्टेन रेयर ड्रग्स एंड हिज बॉडी बिकम, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर, लिखा हुआ है मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट, क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अ हेड। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ है द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिजर्ड एब्राइट बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड, क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टू टेस्ट हिज थ्योरी। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स का मैंने आपको बताया, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें कि बच्चों के लिए ये जो ट्रांसलेशन है जिसमें लिखा हुआ मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेटर क्या है मैं बोल देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा क्या क्या लिखे हुए हैं। मैं अपने माता पिता के साथ रविवार को लखनऊ जाना चाहता था, इसका होगा आई वॉन्टेड टू गो लखनऊ विथ माई पेरेंट्स ऑन संडे। लिखा है गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी थी, द ट्रेन वॉज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म नंबर वन, गाड़ी में भीड़ नहीं थी, देर वॉज नो क्राउडेड इन द ट्रेन, इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, सो वी सेट इजली, गाड़ी सही समय से चली थी, द ट्रेन मूव्ड एट राइट टाइम। इस तरीके से आप लोगों का यह ट्रांसलेटर भी मैंने ट्रांसलेशन भी मैंने बना दिया, आप लोग मिला लीजिएगा। 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।